एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक यूनिक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, और वो टॉपिक है कि हमारे अंदर ही कुछ कुछ होता क्यों है। आज मैं वही बात करने वाली हूँ। हम जब किसी को देखते हैं, किसी के लिए फ़ील करते हैं, तो अजीब सा ये फील होना, बेचैनी सा स्टार्ट होना, या फिर किसी को पसंद करने पर पेट में जैसे गुदगुदी सा होना, नींद उड़ जाना, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाना, और सबसे बड़ी बात ये फील करना दैट आई एम फॉल इन लव विथ हर और हिम, ना कि मुझे प्यार हो गया है। पर ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? सब कुछ उलट पुलट हो जाना। पर ऐसा होता क्यों है, ये कुछ कुछ होने का फंडा क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए आज बात कर लेते हैं। असल में ये सारी जो चीज़ होती है ना, ये प्यार वाले हार्मोन का लोचा है। सब हमसे वही करवाते हैं। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। राहुल को भी कुछ कुछ होता अगर राहुल के बॉडी में जो हार्मोन है वो अंजलि की तरह एक्टिवेट हो जाते। पर आज का ज़माना थोड़ा अलग है भाई। आजकल सभी राहुल्स के हार्मोन वैसे ही एक्टिवेट हो ही जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हम जब किसी को पसंद करते हैं, जब हम कोई पसंद आता है ना, तो हमारे बॉडी में डोपामाइन नाम की एक हार्मोन है, उसकी लेवल बढ़ने लगती है। इसी हार्मोन के कारण दिल भी धक धक करने लगता है, एहसास बदल जाते हैं। और एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है जो हमें उसके लिए पॉजिटिव फील करवाता है। हम उसके लिए अच्छा फील करने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, और यही हार्मोन है जो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करने में मदद करता है। उसी वक्त, उसी सिचुएशन पे जब कोई बहुत प्यार से किसी को छूता है, जब पॉजिटिवली किसी को छूता है ना, तो बॉडी से ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। और इसी हार्मोन की वजह से ना, दोनों के बीच में जो ट्रस्ट की लेवल है वो बनने लगता है। दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगते हैं, दोनों के बीच की ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। और यही हार्मोन की वजह से दिल और दिमाग, ये दोनों को उस रिलेशनशिप की वजह से खुशियाँ मिलती हैं। अरे ये सब ऐसे ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें किसी को पसंद आ गया तो हम ऐसे ही किसी के पीछे भागने लगते हैं, जी बिल्कुल नहीं। ये सारे जो काम होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। हम कुछ नहीं करते, ये तो ऑटो फंक्शन है जो अपने आप होने लगता है। कहा जाता है कि अभी ज़माना बदल गया है। क्यों? क्योंकि पहले हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं तभी लोग प्यार करते थे। बिना हार्मोन्स के, बिना किसी को पसंद किए कोई रिलेशनशिप में आते भी नहीं थे, और इसी वजह से उनका प्यार शायद लॉन्ग लास्टिंग भी रहता था। पर आज के डेट में लोग एक दूसरे के करीब पहले आ जाते हैं, हार्मोन्स बाद में एक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात, एक्टिवेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अलग हो जाते हैं। और इसी वजह से, और इसी हार्मोन्स की वजह से जब ब्रेकअप होता है ना, तो मायूसी आती है, बुरा ख्याल आता है दिल में, लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन पे डोपामीन और ऑक्सीटॉक्सिन की जो लेवल बढ़ गई थी वो धीरे धीरे घटने लगती हैं। इसी वजह से अक्सर लोगों को खुशियों का एहसास नहीं होता और वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। पर ये सारे काम उसी के बॉडी में होता है जिसकी हार्मोन एक्टिवेट थी। पर जो ऐसे ही कैजुअली सा रिलेशनशिप में रहते हैं ना, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जस्ट टाइम पास वाला, उनके लिए ये कोई चीज़ें मायने ही नहीं रखती, ना ही खुशियाँ, ना ही मायूसी, और ना ही प्यार, और ना ही कुछ और। खुशियाँ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में होती है ना, वो सारे के सारे हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो प्यार बनने लगता है, विश्वास बनने लगता है, और इसी विश्वास के बेस पे, इसी ट्रस्ट के बेस पे जब एक दूसरे के दोनों करीब आने के बारे में सोचते हैं, जब उस एहसास जागने लगता है, जब वो फिज़िकल होना चाहते हैं, तो उनके बॉडी से, फीमेल बॉडी से एस्ट्रोजन और मेल बॉडी से टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो इस चाहत का ज़िम्मेदार है। और ये दोनों हार्मोन ही उनके सेक्स ड्राइव को लेवल में रखता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम मेरी तो वन साइडेड लव है, या फिर मैम मुझे कोई पसंद आ गई है, या फिर पसंद आ गया है, उसे कैसे प्रपोज करूँ, उसे कैसे मनाऊँ। पर एक्चुअली जो है ना, अगर वो लड़की अच्छी है, अगर वो टाइम पास वाली नहीं है, पर अगर वो लड़का अच्छा है, कोई गलत इंटेंशन का नहीं है ना, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में ये सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हुए ही नहीं है, इसकी वजह से वो शायद आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में वो फीलिंग्स ही नहीं है जो आपके बॉडी में है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सारे हार्मोन्स हैं ना, वो
अपने आप नहीं एक्टिवेट होते, कभी कभार हम अपने प्यार से, अपने बिहेवियर से उस हार्मोन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर करवा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, बस मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए कि हम किसी को पसंद क्यों करते हैं, कुछ कुछ वाला फीलिंग्स क्यों हमारे अंदर आता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं और काम कैसे होता है। पर ये सारी चीज़ें तो बायोलॉजिकल फैक्ट है, इससे परे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। रिलेशनशिप में और भी सारे हार्मोन्स काम करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी लेवल आती है, रिलेशनशिप में वो होता है ना दायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, उसके भी वजह बॉडी में हार्मोन्स ही हैं। उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत लंबी वीडियो तो बनानी नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और हाँ, अगर सच में आपको किसी से प्यार हुआ है ना तो ये सारी बातें एक बार याद ज़रूर कर लीजिएगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में सचमुच किसी के लिए हार्मोन्स एक्टिवेट हुए हैं तभी आप उसको चाहने लगे हो, इसका ख्याल रखना, इसको मेंटेन करना और जिससे आप प्यार करते हो ना उसको भी खुशियों का एहसास दिलाना जैसे आपको खुशियाँ महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरा एक दूसरा चैनल है रितुस कॉर्नर, अगर आप फीमेल हेल्थ के बारे में कोई भी वीडियो जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं डेली फीमेल रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।